सद गए अब इस शादी विवाह को लेके एक अपने यहां बड़ा फूगड़पन चालू हो गया। पहले जो घर का मैन मुखिया होता था वही लड़की को देखने जाता था, वही सारे रिश्ते तय करता था, और अब दो चार गाड़ी भर के आएंगे और बेटी का बाप बड़ी सेवा करेगा, बड़ी खुशामद। और बेटी देखने के बाद में जब जाने लगे तो पिता हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, बेटी कैसी लगी? तो ये साहब कहते हैं मैं फोन करके बता दूंगा कि बेटी लगी कैसी है। ये अपने आप फूट पर नहीं था। तो जब शादी रुकी, बेटियां देखने के लिए आए तो घर वालों ने मना कर दिया, बोले तुम किसी से बोलोगी नहीं, अगर बोली सही समय मालूम पड़ गया। सो बिकाउस ना बोली। अच्छा, उनमें एक लड़का बड़ो चालाक रहे, भानी एक बात सोची, चलो बहुत देर से हम देख रहे हैं, हम लोगों से ना बोली कोई बात ना, लेकिन ये तो आपस में कोई बात नहीं कर रही, हमें कुछ गड़बड़ लग रही। सब लोग भाई रसोई की नजदीक ही भोजन कर रहे थे और तीनों लड़कियां रसोई में बैठी रही। अच्छा, जो चालाक लड़का रहे बने बड़ाई करी, वो शुरू करी, बाजी बा बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है, बड़ी अच्छी पूड़ियां हैं, खाना बनाने वाले की जितनी तारीफ करें उतनी कम है, बड़ी अच्छी सब्जी बनाई। अच्छा, वो लड़की ने जो खाना बनाओ तो, और बा ने जैसी अपनी बड़ाई सुनी सुबह भाई से बोल उठी, लड़का ने कही बड़ी अच्छी सब्जी बनाई है, सब लड़की भाई से बोल उठी, बोली नमतदारो मितदारी और थाना तो ना बने। और जैसी बार लड़की ने कही, वो पहली बार लड़की बोली, दूसरी लड़की बैठी रहे बहु बोली, और चल मम्मी ने मना करी तू तू बोली, और तीसरी लड़की बैठी रहे बहु बोल उठी, बोली हम तो भैया बोले ही ना। तस कीर्तन बोलो।